न्यूज़ 18 देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमरीक कुमार। दस दईए कि बीते दो दिन पहला हुशियारपुर जिले के नसराले के नज़दीक पेंदे पिंड तो एक मनीष कुमार और फौजी जो कि अपने पिता के भोग से आया सी ते वो पुलिस की कस्टडी चो भजन दे विच कामयाब हो गया। तस्वीरां विच तुसी देख सकते हैं ये वो मनीष कुमार और फौजी का घर आ जिथे वो भोग से आया सी ते जिस तो बाद भोग तो बाद पुलिस की कस्टडी में फरार हो गया। इस संबंधी असी पिंड वालों के नाल भी गल की है तो पिंड वालों का भी कहना है कि बहुत ही भला परिवार है तो अज तो पहला इस परिवार की कोई भी घटना या लड़ाई झगड़ा उन्होंने वालों नहीं सामने आया तो जिस तो बाद हुण पुलिस भाल कर रही है। पुलिस ने बेशक चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिता है तो एक गौर वाली गल इस विच कि उसका जीजा जो कि बतौर ASI PRTC जहानखेला बतौर ASI काम करता है तो उसने वालों जो हामी भरी गई सी जिस विच उन्होंने कहा कि इस कस्टडी तो हटा के भोग में शामिल किया जाए तो पुलिस ने इवें ही किया है। तो इस तो बाद नसराला चौंकी वालों चार बंदियां दे खिलाफ धारा 223 224 225 के तहत मामला दर्ज कर दिता है तो मनीष कुमार और फौजी की भाल की जा रही है। क्या नाम है बुजुर्ग तुहाडा? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरपंच सुरिंदरपाल सिंह पिंड नई आबादी पंडोरी रकमान। पिंड दे विच इक वाकया होया जी एक साबका फौजी साहब अपने पिता दे भोग ते आए सीगे पुलिस हिरासत चों फरार हो गए की पूरा मामला होया जी? इह वाकया वो मामला इस तरह है कि तकरीबन दो महीने पहला 28 अक्तूबर नूं इन्हां दी पत्नी अमनदीप कौर ने किसी वजह दे नाल जां किस तरह भी उन्हें एक जहरीली दवा खा ली सी। जदों ही घरदियां नूं पता लग्या अमनदीप दे सहुरा साहब ते बाकी परिवार ते मैं पिंड दा सरपंच होण दे नाते मैनूं दस्सिया मैं भी नाल गया तां इहनूं आदमपुर मगलानी हॉस्पिटल दे विच दाखिल कराया गया। उत्थे इहदा ट्रीटमेंट चलिया तकरीबन 5-6 घंटे उन्होंने रखिया उत्थे ते उन्होंने इन्हां नूं इह कह दिता कि तुसीं इस नूं दूसरे हॉस्पिटल च किते लै जाओ ते उन्होंने रैफर कर दिता। रैफर करके ये सारा परिवार उसनू अमनदीप नू जलंधर कैपिटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिता। हॉस्पिटल दे अंदर ही दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। मनीष कुमार दे सहुरा परिवार ने इहदे उत्ते इल्जाम लाया कि तू साडी कुड़ी नू तंग करदा सीगा इस वजह दे नाल उहने दवाई खाधी आ ते इस वजह नाल उहदी मौत होई आ ते उहदे उत्ते परचा करवा दिता जिस दे परचे दे अनुसार मुंडे नूं सज़ा हो गई जो कि जेल दे विच चल गया। हुण इहनूं किन्ना टाइम हो गया सी जेल विच गए नूं? जेल दे विच तकरीबन जिद्दण उहदी मौत होई शायद 3 नवंबर नूं 2 जां 3 नवंबर नूं जेल दे विच गया सी। उस तों बाद ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਰਖਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ
चलो भोग ते लिया गया सीगा। जदों इत्थे आया वो तो पुलिस मुलाजम भी नाल सीगे ते इत्थों उन्हां दे कोलों मुंडा यानी कि फरार होके भगौड़ा हो गया दौड़ गया। इन्हों का एक रिश्तेदार इन्हों का रिश्तेदारी के बच्चे जीजा लगता है वो ते भी नाल मामला दर्ज होया ते ओ उस वेले की ओ से मौके ते हाजिर सगा ते ओदे की एदे विच की रोल सी कुछ पता? देखो जी ओ ता आया सीगा चलो पहला भी मिला है मुलाजम सीगा ते ओ नाल उन भी लान लेके आया सी ओदा एदे विच जिदा कहंदे उहने उहने इहनूं कोई इहदा ओदे विच इह कोई संबंध नहीं है कि हाँ भी उहनूं तूं इदां करके दौड़ जादा कुछ भी वह तो खुद फुल पुलिस मुलाजम जिहड़े आए सी उहनां दे नाल सीगा तो सिर्फ एक बाथरूम के गया बाथरूम के ये जान के दूसरे पास कोठे तो छाल मार के पिछों की दौड़ गया। अगर जी पिंड की गल करिए तो पिंड व्यवहार आ जो सबका फौजी दसा जा रहा कि बहुत वधिया इंसान। देखो जी मेरी गल सुनो मैं भी एक सर्विसमैन भी हाँ तो इतने आके भी सर्विस की तकरीबन मेरी 64 साल उम्र हो गई आ अज तक इन्हां दे परिवार की कोई इहो जिही किसी की कोई पार्टीबाजी जां किसी नाल कोई लड़ाई झगड़ा जां इदां दा कोई भी किसी दे नाल संबंध नहीं सीगा। इहनूं किन्ना कु चिर हो गया सी हुण अपना सेवा मुक्त होके आए नूं? तकरीबन इहनूं मेरे ख्याल 8 साल हो गए 13 च 15 दे विच होया 8-9 साल इन्ने कु हो गए सी। उस तों बाद इह मुंडा दुबारा यानी साडे कोल FCI स्टोर आ उहदे विच एज ए सिक्योरिटी गार्ड एक सर्विसमैन होने के नाते सेवा करता सीगा नौकरी करता। परिवार वालों भी भाल की जा रही है जी? परिवार वालों तकरीबन उदन का ही तकरीबन साढ़े पिंड का सारा पिंड महला जिन्ने भी मुंडे सके सारे है हूँ भी इन्हों के जिन्ने घर के परिवार के मैंबर अपने रिश्तेदार जाके होर इधर उधर जिते जिते भी इन्हों थोड़ा बहुत आस हैगी भी हो सकता उत्थे गया होगा या उत्थे गया है ये उदन तो तकरीबन इन्हों की काफ़ी दौड़ भज लगी हुई है जिदा भी ये मिलता उस वेले जी भी हैगी जो भी सूचना यदि दी जाऊगी। ठीक है।